दोस्तों स्वागत है आपका आईपीएल 2019 के 16वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 5 विकेट से एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इस मैच की, साथ ही साथ आपको बताएंगे उन रीजन की जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स जो है वो इस मैच को हारी है और जिसकी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो इस मैच को जीती है। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों यहां पर टॉस जो है वो एसआरएच ने जीता जहां पर बॉलिंग करने का फैसला लिया और बहुत ही बढ़िया उनका ये फैसला साबित हुआ जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को सिर्फ 129 रनों पर उन्होंने रोक दिया। 8 विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स ने 129 रन बनाए जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे सुरेश अय्यर जिन्होंने 43 रन बनाए। भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद नबी और सिद्धार्थ कौल तीनों ने ही 2-2 विकेट लिए और चेस करते हुए जॉनी बेस्टो ने दोस्तों एक कमाल की शुरुआत दी। 48 रनों की इनिंग सिर्फ 28 गेंदों में और बाकी बल्लेबाजों ने काम कर दिया और 5 विकेट से एसआरएच की जो टीम है वो इस मैच को जीत गई। अब दोस्तों बात करते हैं उन बड़ी वजह की जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो इस मैच को यहां पर हारी है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह रही दोस्तों इनकी बैटिंग। हर मैच में इनकी बैटिंग जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी लेकिन इस मैच में यहां पर बैटिंग इनकी पूरी तरीके से फेल रही जहां पर एक भी बल्लेबाज जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया सिवाय यहां पर सुरेश अय्यर के। पृथ्वी शाह ने यहां पर 11 रन, धवन ने 12 रन, पंत 5 रन और कॉलिन इंग्राम 5 रन। सुरेश अय्यर की 43 रनों की पारी की बदौलत 129 रन पर ही पहुंच पाई यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम। बात करें दोस्तों दूसरी वजह की तो दूसरी वजह रही यहां पर फील्डिंग। 130 रन यहां पर डिफेंड कर रही थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, ऐसे में फील्डिंग एक मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी। लेकिन अक्षर पटेल ने दोस्तों शुरुआत में ही जॉनी बेस्टो का एक कैच छोड़ा, इसके बाद सुरेश अय्यर ने कैच ड्रॉप किया और एक दो मिस फील्डिंग भी हमें देखने को मिली। और जब आप इतना लो स्कोर जो है वो डिफेंड कर रहे हो तो इस तरह की मिस फील्डिंग जो है वो काफी भारी पड़ सकती है और एक समय मैच दोस्तों काफी ज्यादा फंसा था। अगर फील्डिंग अच्छी हुई होती तो दिल्ली कैपिटल्स टीम शायद से इस मैच को जीत भी सकती थी लेकिन फील्डिंग यहां पर काफी ज्यादा कमजोर रही इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की और ये एक और बड़ी वजह बनी कि दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो इस मैच को हारी। अब बात करें दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की तो एसआरएच के लिए मैच जो है वो काफी ज्यादा अच्छा गया जहां पर उनकी बॉलिंग कमाल की थी, सिर्फ 129 रनों पर रोक दिया। सभी बॉलर्स ने कमाल की बॉलिंग कराई। बैटिंग में यहां पर जॉनी बेस्टो ने कमाल की शुरुआत दी, 48 रनों की पारी और वो भी बहुत ही ज्यादा तेज और इसी वजह से एसआरएच की टीम इस मैच को बड़ी ही आसानी से 5 विकेट से जीत गई। अब बात करें दोस्तों इस मैच के बाद दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर आ चुकी है जहां पर अपने 5 में से सिर्फ 2 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने जीते हैं। वहीं बात करें दोस्तों हैदराबाद की तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर जा चुकी है हैदराबाद की टीम जहां पर उन्होंने 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं। तो हैदराबाद की टीम यहां पर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आ चुकी है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स जो है वो है यहां पर 5वें नंबर पर। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लग रहा है क्या थी सबसे बड़ी वजह कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मैच को हारी है एसआरएच से, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अभी हमें फॉलो करें या फिर सब्सक्राइब करें।